तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। पता नहीं राज ने नाश्ता बनाया या नहीं। अरे राज, नाश्ता बन गया है क्या? हाँ भैया, अभी ला रहा हूँ, बस दो मिनट रुक जाओ। अरे राज, आया भैया। अरे वाह राज, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। ये सिखाई भी तो आपने मुझे। राज, जब से मम्मी पापा गए हैं ना, तुमने घर का सारा काम संभाल रखा है। आप कैसी बात कर रहे हो भैया, आपने तो मुझे छोटे से पाला है। अरे बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। तो भाई, ये मेरा फर्ज था। अच्छा राज, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। और हाँ, तो शाम को पनीर बना लेना। ये वो सब है? अरे बाकी तो खा पी लिए। अरे भैया, भगवान ऐसा राम जैसा भाई सबको दे। क्या हुआ मेरे भाई? राज मेरे भाई कहाँ है मेरे भाई? राज भैया, आ गए आप? तुम ठीक तो मेरे भैया? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ। तू ठीक है? और वो चिल्लाने की आवाज? अरे भैया, वो तो मैं मोबाइल देख रहा था, इसमें पता नहीं एक भूत वाली फिल्म देख रहा था, ऐसी सीन आया, मैं डर गया। अरे राज, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे भैया, आप भी बस। अरे बेटा, आखिर तेरे सिवा मेरा है ही कौन? और भैया, आपके सिवा मेरा भी कौन है? लो भाई चाय। भैया, अब मैं तुम्हारे लिए दो पराठे बना दूं बस। अरे नहीं राज, पराठे रहने दे। अरे कैसे खास रहा है? अरे कोई नहीं भैया, बस। अरे तुझे तो बुखार है, चल डॉक्टर के चलते हैं। अरे भैया रहने दो, मैंने टैबलेट ले ली है। बैठ पहले यहाँ पे आ। अरे भैया आप भी बस। अरे राज, अपना ध्यान रखना। भैया थोड़ा सा फीवर ही तो हुआ है, मर थोड़ी गया हूँ। खबरदार राज, अगर तूने अंजा से ऐसी बात करी, आखिर तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अच्छा भैया, तुम मार दो थप्पड़। आखिर बचपन से आज तक मुझे थप्पड़ का पता ही नहीं होता क्या है। अरे कैसा है तू, रोते हुए आदमी को भी हंसा देता है। अरे भैया, यही तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। चल नटखट, हमेशा हंसाता ही रहता है। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस को देर हो रहा है। ठीक है भैया, ध्यान रखना अपना। ओके भैया। अरे भैया भी ना बस। राज, अरे राज। हाँ भैया। अरे क्या कर रहा है भाई? भैया थोड़े कपड़े धो रहा हूँ बाथरूम में। अरे जल्दी आ, तुझे कुछ दिखाना है। ठीक है भैया, आया अभी। हाँ भैया। अरे राज, आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ऐसा क्या हुआ? अगर हम काम नहीं करेंगे या पड़ोसी करेगा? अरे नहीं, मैं आज तुमको एक सरप्राइज दे रहा हूँ। सरप्राइज दे रहे हो? मुझे पता है भैया, तुम क्या सरप्राइज दे रहे हो? क्या पता है, तुम बता दो। बताओ भैया क्या लाए हो? हाँ बताओ। अच्छा भैया, मुझे पता है, जरूर वॉशिंग मशीन लाए होंगे। तू ना हमेशा मजाक के मूड में रहता है। अरे मशीन नहीं है। अच्छा वॉशिंग मशीन नहीं है, तो जरूर रोटी बनाने की मशीन लाए हो। बस तू अब शुरू हो गया, जब तक तुझे नहीं दिखाऊंगा ना, तो तू ऐसे ही बोलता रहेगा। चल तो फिर आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो? क्या मोटा आइटम है क्या जो आंखें बंद करा रहे हो? चलो लो कर ली आंखें बंद। अरे अपना मुंह बंद कर। भैया अब मुंह भी बंद करवाओगे? अरे तेरे से कोई नहीं जीत सकता, जल्दी से आंखें बंद कर और मुंह भी बंद कर। लो भैया कर ली। अरे राज, अब आंखें तो खोल ले। भैया ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी। भाभी?
ये कहाँ से ले आए तुम? ये रोड पे खड़ी थी, वहां से ले आया इसको। रोड पे? हमें तो कोई ना मिलती रोड पे खड़ी हुई। जा कपड़े पहन ले, बैठ के बात करते हैं। चल। मेरा भाई भी ना बिल्कुल पागल है, पर प्यार बहुत करता है मेरे से। वो तो दिख रहा है। अभी तो पानी। थैंक यू। अरे आप खड़े क्यों हो? आइए बैठिए ना। भैया ना तो तुमने कोई डीजे बजवाया, ना कोई बाजा बजवाया, फिर ऐसे कैसे हमारी भाभी? अरे पागल, हमने कोर्ट मैरिज करी है। भैया आपने कभी बताया तो है नहीं। यही तो होता है सरप्राइज। ओहो सरप्राइज। आओ नहीं। भैया राज अंदर आ जा। ठीक है भैया। भैया लो चाय, लो भाभी। आ राज बैठ। बातें करो और मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ। ठीक है भैया। भाभी चाय पियो। क्या हुआ भाभी, मक्खी गिर गई क्या? कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं चाय बनाने की। और सुन, इससे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा तू? कैसी लगी तेरी भाभी? भैया आपकी पसंद गलत थोड़ी हो सकती है, बहुत अच्छी है भाभी। अच्छी क्यों ना हो, आखिर पसंद तेरे भाई की है। हाँ भैया ये तो है। अच्छा राज, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, अपनी भाभी का ध्यान रखना। ठीक है भैया। सफाई तो हो गई, अब फटाफट बर्तन धो लेता हूं। जल्दी धोइए सारे बर्तन, उसके बाद में कपड़े भी धोने हैं। ठीक है भाभी। और हाँ, मेरे एक कप कॉफी भी बना देना, सुबह की तरह मत बनाना। पता नहीं क्या बनाया था, पानी पानी सा। वहां जाने किसी ने सिखाया भी है नहीं सिखाया। ठीक है भाभी बनाता हूं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखेंगे, काम भी करेगा, काम कर। अरे भाभी आफत की जड़ है ये। भाभी बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी धुल गए। मेरी कॉफी? भाभी कॉफी तो नहीं है। तुम्हें पता भी है कॉफी होती क्या है? ना तुम्हें कॉफी बनानी आती, ना तुम कुछ करना आता। आता क्या है भाई, और ये सफाई क्या तेरा बाप करेगा? चल फटाफट झाड़ू लगा और पोछा लगा। चल
ठीक है भाभी। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, क्या मरे मरे हाथ चला रहा है, जान नहीं आ तुम्हें। जल्दी लगा पोछा। अरे ये क्या है, ये क्या पोछा लगा रहे तू हैं? मेरे पति की कमाई खा के सांड हो रहा है, खाने के लिए चाहिए तेरे को मटर पनीर, काम नहीं होता, जल्दी कर। लगा तो रहा हूँ भाभी। ठीक है लगा। यार भैया ने तो आज तक मुझे ऐसा नहीं बोला, भाभी पता नहीं क्या। अरे भाई काम तो खत्म हो गया, ब्रेड ही खा लूं। भाभी आप बैठ गया खाने के लिए, पूरे दिन खाता रहता है, काम की तरह बाप करेगा। चल खड़ा हो और नीचे से मेरे लिए जूस लेके आ। आ गए आप? हाँ नेहा आ गया मैं। पता है नेहा आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कैसे? हाँ बताऊंगा बाबा बताऊंगा, पहले ये बताओ राज कहाँ है। यार एक बात बता, तू हमेशा राज 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 राज, मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मेरी तरफ भी देख लिया करो कभी। ये बात तो सही है, अरे यार नाराज क्यों हो रही है, तू तो मेरी जान है, तेरे लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। आ गए आप? हाँ आ गया राज। पता है राज आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कैसे भैया? क्योंकि जब से तेरी भाभी आई हुई है ना, जब से तुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा। हाँ भैया ये तो है, मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती भाभी। मेरे भाई तूने अब तक बहुत काम किया है। भैया ये तो मेरा फर्ज था। पर एक कमी रह गई। कमी? वो क्या भैया? तू आजकल चुटकुले नहीं छोड़ता और ना ही मजाक करता, तबीयत तो ठीक है तेरी? नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भैया आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। नहीं नहीं पागल, तू ही लगाएगा क्या खाना, अब तो तेरी भाभी आ गई है, वो लगाएगी खाना। अरे भैया भाभी को क्यों परेशान करते हो, सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करती है, मैं कर दूंगा तो हल्का थोड़ी हो जाऊंगा। अच्छा बाबा तू नहीं मानेगा, चलो तू ही लगा दे खाना। ठीक है भैया चलने आ, खाना खाते हैं। राज। अरे भाभी आप अभी तक सो रहे, पोछे की तरह बाप लगाएगा? अभी लगा रहा हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत खराब सी हो रही है। ऐसा है, ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है, खड़ा हो काम कर, खा खा के सांड हो रहा है, बस खाने के लिए दे दो और तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है भाभी आता हूँ। ड्रामे बस कहीं का, जल्दी आ।
भाभी, भाभी ऐसा है, ये ड्रामे ना किसी और को दिख रही हो, मुझे नहीं, बहुत देख रखे हैं। चुपचाप खड़ा और काम कर। छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाभी मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, तू खड़ा हो, निकल, भीख मांग, चोरी कर, डकैती दल, कुछ भी कर, मैं नहीं जानती। खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो, निकल मेरे घर से। राज को तो मैंने भगा दिया, अब रहा मोहित, मोहित को मैं अपना ठिकाने लगा दूंगी। भाई पहले तो दूर खड़ा होकर बात कर, पता नहीं साले को टीवी हो रही क्या। भाई 10 रुपए मिल जाएंगे। 10 रुपए तेरा बाप देगा था क्या? कमा के नहीं खा सकता, चल परे को। भाई 10 रुपए ना तो एक रोटी दे दो, सुबह से बहुत भूखा हूँ मैं। साहब रोटी ना दे तो कुछ काम दिलवा दो, मैं काम करके अपनी भूख मिटा लूंगा। तेरे जैसे बीमार आदमी को कौन काम देगा, चल निकल यहाँ से।
राज नहीं दिखाई दे रहा, राज कहाँ है? आपको पता है राज का दोस्त आया था, वो कह रहा था राज की नौकरी लगवानी है तो वो उसे अपने साथ में ले गया। ले गया? पर उसने तो मुझे आज तक अपने दोस्त के बारे में नहीं बताया। अच्छा, मैंने तो पूछा था, पर वो बोल रहा था कि जैसे भैया ने मुझे सरप्राइज दिया वैसे मैं भी भैया को दूंगा। नेहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मोहित, क्या हुआ? नेहा, अच्छा तुम एक बात बताओ, उसके दोस्त का तुमने कोई फोन नंबर लिया है? फोन नंबर नहीं, वो तो नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। अच्छा नेहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। ढेर लगा हुआ है और पूरा कमरा गंदा भी हो रखा है। नेहा से पूछता हूँ चल के। जल्दी ले और सुनो, शाम का खाना ना टाइम से। नेहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर नाश्ता? कोई बात नहीं, ऑफिस नहीं कर लूंगा, होटल से खाना, होटल से नाश्ता। इसका मतलब सारा ना खाना नाश्ता होटल से मंगवा दी थी और सारा काम मेरा भाई करता था। अरे आ गए आप? हाँ नेहा, आ गया। ये लो पानी। क्या हुआ, थोड़े परेशान से लग रहे हो? तुम एक काम करो नेहा, मेरे लिए एक कप चाय बना। आज हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। यार चाय कैसे बनाते हैं? पानी कितना डालूं, दूध कितना डालूं, मुझे कुछ पता ही नहीं। वाह नेहा वाह, आखिरकार तूने अपना नागिन का रूप दिखाई दिया। जो तू फोन पे बात कर रही थी ना, मैंने वो सारी सुन ली थी तेरी। आप ये कैसे बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। पता पता मेरा भाई कहाँ है? मेरे देवता जैसा भाई पता नहीं किस हाल में होगा। तुझे अपनी माँ मानता था वो, दो रोटी तो दिखाता था वो, बदले में कितना काम करता था। नहीं नहीं, नहीं। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। तुमने अत्याचार डाला उसका,
मुझसे ही माफी मांगने चले गए। चलो राज, राज मेरे भाई। राज के भाई हो ना? हाँ भैया, आप कौन? मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा, तुम ही हो वो दोस्त जो राज को नौकरी के लिए ले गए थे? या? मैं तो कहीं नहीं ले गया उसे। क्या हुआ भैया? भैया राज पता नहीं कहाँ चला गया, उसको ही ढूंढने जा रहे हैं। चलो मैं भी ढूंढवाता हूँ। ठीक है भैया। समान हो आप, कैसे मेरे पैसे छोड़ी हो? चलो भैया घर चलो।